ओम शांति। आज की तारीख है 27/8/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाटधारी, तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप का फरमान कौन सा है? बाबा की आज्ञा, शिव बाबा की आज्ञा कौन सी है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? जो ये विकार है ना, पांच विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनकी पीड़ा से बच सकते हैं। उत्तर, बाबा का फरमान है पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। माना 7 रोज भट्टी क्या होती है? 7 रोज की भट्टी, 7 दिन का कोर्स, जो कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे कराया जाता है, 7 दिन का कोर्स। तो बाबा कहते हैं, बाबा का फरमान है पहले 7 दिन का कोर्स करो, 7 दिन की भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा पांच विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। जब भी कोई आत्मा पांच विकारों से पीड़ित आए तो उससे बोलो हमें 7 दिन का टाइम चाहिए, अब पूरी तरह से आपको ठीक करने के लिए, जो ये पांच विकार की वजह से आपको दुख है उसे ठीक करने के लिए 7 रोज का टाइम चाहिए। कम से कम 7 रोज का टाइम दो तो तुम्हें हम समझाएं कि ये पांच विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो पहले 7 रोज का कोर्स करो। जो बहुत प्रश्न उत्तर करते हैं, हम ऐसे नहीं, ऐसे, आपकी संस्था कैसी है, क्या है, उनसे तुम ये बोल सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले 7 दिन का कोर्स करिए। गीत है आज की मुरली से, ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, माना डाउट नहीं करना है, ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। जो ये सृष्टि रूपी ड्रामा है जो हम सब पार्ट निभा रहे हैं, तो इसको साक्षी होकर देखना है, डिटैच होकर देखना है। कभी भी अपना कर्म रूपी रजिस्टर खराब नहीं करना है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसे बहुत ध्यान से देखना है, अपना कर्म रूपी रजिस्टर में कोई भी दाग नहीं लगने देना है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था कौन सी? जब हमें एक शिव बाबा की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए बाबा की याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरी मेहनत करनी है। सच्चे दिल से बाबा को याद करना है, अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है, अब चेक करना है, जैसे फीवर चेक करते हैं ना, वैसे अपनी स्थिति का टेम्परेचर चेक करना है कि आप बाबा को दिन भर में कितनी देर याद करते हो। तो बाबा कहते हैं अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। वरदान है आज की मुरली से, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो संतुष्ट रहते हैं उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिसके पास संतुष्टता ही नहीं तो सब कुछ होते भी जैसे कुछ नहीं। क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश रहती है, उसकी एक इच्छा पूरी होती है और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या तब कहेंगे संतुष्ट मणि। इसीलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या तब कहेंगे संतुष्ट मणि। आज की निर्ली का स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। कौन सी स्मृति रखनी है? मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, मेरा ये शरीर मेरा भी ये पार्ट निभा रहा है, फिर जब ये शरीर छूट जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट में जाना है। तो फिर जितने भी हमारे आसपास के रिश्ते हैं उनसे रिश्ता रखते हुए भी नहीं रखना है, माना डिटैच होके रहना है। बाबा ने कहा तो स्मृति का स्विच ऑन रहे कि मैं आत्मा हूँ तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे।
मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। मस्तक पर चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही वो शक्ति हूँ जो इस शरीर को चला रही है। मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैंने इस शरीर को लोन लिया है अपना पार्ट बजाने के लिए। जैसे ही मेरा पार्ट पूरा होगा, मैं आत्मा इस शरीर से निकल दूसरा जन्म लेकर दूसरा पार्ट बजाऊंगा। मैं अपने सारे संबंधों में संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैंने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं कर्मातीत आत्मा हूँ। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसी स्थिति में स्थित मैं कर्मातीत आत्मा हूँ। सांसारिक बंधनों को तोड़ते हुए मैं आत्म पंछी पहुंच जाती हूँ परमात्मा के पास, परम धाम में, जहाँ हम आत्माओं के पिता परमात्मा शिव रहते हैं। बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर मैं आत्मा धीरे धीरे अपने मस्तक में समा जाते हैं। ओम शांति।